कुर्ती हॉल अंडर ₹399, यस 400 के अंडर अंडर ये जो सारी कुर्तीज है ना वो होने वाली है. सो यस अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज गुड. कॉटन है, प्योर कॉटन है तो थोड़ा सा सी थ्रू तो होगा ही और इतना आई थिंक सबको चल जाता है. समर अप्रोप्रिएट है और कलर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी भी एकदम 10/10 है. मतलब ऐसे ना बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, 100/100 आप दे सकते हो इन सबको इनके फैब्रिक के अकॉर्डिंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी अनु चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज का जो हॉल है वो होने वाला है मिंत्रा कुर्ती हॉल अंडर ₹399, यस 400 के अंडर अंडर ये जो सारी कुर्तीज है ना वो होने वाली है. और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, अफोर्डेबल तो है ही और एकदम समर अप्रोप्रिएट होने वाली है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट यस, अगर आपको फैशन, लाइफस्टाइल, स्किन केयर, होल वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पसंद है एंड यस व्लॉगिंग भी, तो इन सब से रिलेटेड कोई भी वीडियोज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कुर्तीज मतलब आप लोग बायकर्स को आपको देखने को मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पास में दिया हुआ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करो. तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लेना. फिर अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो जो फर्स्ट कुर्ती मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे ना प्यारी सी, क्यूट सी है, अच्छा सा कलर है. सो वो है ये वाली ब्लू कुर्ती, लाइक अच्छे वाला जो नेवी ब्लू कलर होता है वो वाला कलर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो फैब्रिक है उसकी बात कर लेते हैं. तो इसका जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, एकदम सॉफ्ट वाला, एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे ना हाथ में ऐसे लेते ही ना ऐसे फोल्ड होने वाला कॉटन है, एकदम अच्छे वाला कॉटन है बिल्कुल ऐसे. तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन है और सी थ्रू तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, थोड़ा सा लिल बिट सा सी थ्रू है बट यस चल जाता है. मतलब मैं तो इसको बिना इनर वगैरह के पहन लेती हूँ तो ऑफकोर्स आप लोग भी पहन पाओगे. और इसका जो कलर है वो है नेवी ब्लू कलर और नेवी ब्लू के अंदर ना आप लोग देख रहे हो ये सी ग्रीन और व्हाइट कलर के कुछ कुछ प्रिंट बने हुए हैं. एक्चुअली जो ब्लू कलर है ना वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो कौन सा बोलते हैं इसको, इंडिगो प्रिंट जो होता है वो वाला जो ब्लू कलर होता है ना उससे सिमिलर सा है. तो बहुत ज्यादा प्यारा सा ब्लू कलर है. और अगर हम बात करें इसके ब्रांड की तो इसका जो ब्रांड है वो है हेयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ ब्रांड है और मैंने इसको ऑर्डर किया था साइज स्मॉल में, एकदम परफेक्ट साइज है. स्लीव्स भी इसकी 3-4 स्लीव्स है. और अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इसको मैंने ऑर्डर किया तो मुझे ये मिली थी ओनली ₹190 में. कैन यू बिलीव दिस, हाँ मुझे ना ओनली ₹190 में मिली थी. मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, इतना सॉफ्ट कॉटन और प्यारा सा ब्लू कलर है. और साथ में आप लोग यहाँ तो ज़रूर देख लोगे कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसको मैंने कैरी किया है एकदम वाइट प्लाजो के साथ में. अगर आपको अच्छा लगे तो एकदम लाइट शेड की जो डेनिम होती है उसके साथ भी आप कैरी कर सकते हो, अच्छे वाले सिल्वर झुमके वगैरह पहन के बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. और कलर भी एकदम अच्छा है. एंड यस, ये जो रिव्यू मैं दे रही हूँ ना ये आफ्टर वॉश का रिव्यू है इस कुर्ती का, बिकॉज इसको मैंने पहन लिया है तो इसको ना आफ्टर वॉश का रिव्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. ये देख रहे हो आप, ये मेरी पहनी हुई है, इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी ऐसे चुनटें वगैरह सलवटें पड़ गई है. तो काफ़ी प्यारी कुर्ती है, प्राइस एंड क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज सो सो गुड. तो हाईली हाईली रिकमेंड. और जो नेक्स्ट कुर्ती है ना वो भी सेम ब्रांड में है और सेम साइज में है, बट कलर जो है इसका है येलो कलर. समर्स में ना येलो, ब्लू और पिंक, लवेंडर, ये सब कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सी ग्रीन वगैरह, पेस्टल शेड्स जो भी यार आप लोग बोलो, मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो वो वाली शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो इस कुर्ते में मुझे जो अच्छा लगा वो था इसकी ये जो बटन वाला जो स्टाइल है ना, इसमें ये जो बटन बनी हुई है तो ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. लाइक ये वाली बटन्स और यहाँ पे चेस्ट एरिया पे ना ये अच्छे वाला ऐसे हैंडवर्क भी है. ये जो रेड आप थ्रेड देख रहे हो ये हैंडवर्क है और ये व्हाइट वाली लैश है. तो ये वाला जो पैटर्न है ये ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और यही सेम पैटर्न इसकी स्लीव्स पे ये बीच में भी दी हुई है और यहाँ पे एकदम एंड पे भी दी हुई है लैश व्हाइट कलर की. सो ओवरऑल ये अच्छे वाला येलो कलर है. और अगर हम बात करें इसके फैब्रिक की तो जो खादी कॉटन नहीं होता, मतलब जिसको एकदम आप भरी गर्मी में नहीं पहन सकते, बट यस इस वाला जो ये मॉनसून सीजन है इसमें तो आप ज़रूर पहन सकते हो, वो वाला कॉटन है ये. तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये. इसको मैंने पेयर करी थी अपनी ब्लू डेनिम के साथ, आप इसको वाइट के साथ भी कैरी कर सकते हो, मैं आपको दोनों के साथ में दिखा दूंगी. तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल सी है. अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है ओनली ₹299, यस ये ₹299 में मुझे मिली थी. तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है, कलर तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा है. ऐसे ना येलो कलर तो बहुत
बहुत ज्यादा खिल के आता है। एक्चुअली ना मेरे पास में येलो कुछ था नहीं, तो मैंने येलो ऑर्डर किया था, और येलो कलर को अपने वार्डरोब में ना और ज्यादा ऐड करने के लिए मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बना रही हूँ येलो कलर से, वहां उसका जो लिंक है वो यहाँ मिल जाएगा, और साथ में ये भी येलो है, तो आई थिंक अब मेरी वार्डरोब में ना बहुत ज्यादा येलो कलर पॉपअप होने वाले हैं। बट येस, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब आप लोग इसको व्हाइट के साथ तो जरूर कैरी कर सकते हो, प्लाजो के साथ, जो लोग प्लाजो वगैरह पहनते हैं, जींस पहनते हैं वो लाइट शेड की डेनिम के साथ में, और प्यारी सी मोजरीज पहन के सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आप इसको इस वे में स्टाइल कर सकते हो। सो फैब्रिक क्वालिटी अफोर्डेबल और सब कुछ हो गया, मतलब बहुत ज्यादा प्यारी है यार, आप लोग इसको जरूर ऑर्डर कर सकते हो, ऑल द लिंक्स इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए नेक्स्ट अपन कुर्ती देखते हैं। जो थर्ड है वो है, मैंने ऑर्डर करी थी मिलांज, जो ब्रांड होता है ना मिलांज बाय लाइफस्टाइल, उस ब्रांड से ऑर्डर करी थी। एक्चुअली इस ब्रांड की ना थोड़ी सी, मतलब ऐसे ना कह सकते हैं हम, एक्सपेंसिव होती, मतलब एक्सपेंसिव नहीं कह सकते बट उतना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होती कि हम 300-400 रुपए में बाय कर सकते हैं, लाइक अब 1199, 1299, 1399 मान लीजिए। बट इसको ना मैंने अभी जो रिसेंट में मिंत्रा सेल चल रही थी उसमें ऑर्डर किया था, तो उस वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिल गई है। तो बहुत ज्यादा अच्छी सी, एकदम व्हाइट कलर की है, और व्हाइट पे ये पिंकिश रेड कलर के जो ये बने हुए पैटर्न वो है, और साथ में इसकी यहाँ पे ना मतलब नेक एरिया पे बटन भी दी हुई है, और दो बटन है, बट जो मेन पार्ट है इसका वो ये है कि इसको आप श्रग के जैसे भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक ये एकदम से ना ओपन हो जाती है, तो आप ऐसे ना नीचे कुछ कैमिसोल वगैरह या फिर अपना जो टैंक टॉप वगैरह है उसको पहन के और जींस के साथ में आप वैसे भी स्टाइल कर सकते हो। और इसकी जो स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी ना यहाँ ऐसे कुछ डिजाइन बना हुआ है, आप देख पा रहे हो, यहाँ नीचे भी बॉर्डर लगी हुई है, बॉर्डर के ऊपर ये बटन वगैरह बना के और अच्छा सा डिजाइन बना हुआ है, और नेक एरिया पे भी ना ऐसे ये देखो अभी दिख रहा है आपको, अच्छा सा डिजाइन बना हुआ है। सो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, और इसका जो प्रिंट है ना वो तो बहुत ज्यादा प्यारा है ही, मतलब ऐसे ना समर्स में बड़ा ही अच्छा लगता है। इसको आप व्हाइट प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हो, जींस के साथ भी कैरी कर सकते हो, और आप इसको एज अ श्रग भी, मतलब ऐसे ओपन करके वैसे भी कैरी कर सकते हो, तो तीन तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये वाली। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें ना, तो इसका जो प्राइस था जिसमें, मतलब जिस प्राइस में मुझे ये मिली है वो है 399 रुपीज। लाइक आई थिंक ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, मिलांज बाय लाइफस्टाइल की कुर्ती 399 में मिल गई, इससे अच्छा हम क्या ही, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं यार, अब हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये मॉनसून के अकॉर्डिंग तो पहनी हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसको मैं जैसे स्टाइल कर रही हूँ ना, आप लोग वैसे एक बार चेक करके देखना, बड़ी बड़ी मतलब ऐसे ना प्यारी सी कुर्ती है, अच्छी है। और इसका भी ना मैंने साइज ऑर्डर किया था स्मॉल साइज, हाँ इसको मैंने साइज स्मॉल में लिया था, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो ये फोर्थ कुर्ती है ना वो भी है मिलांज बाय लाइफस्टाइल ब्रांड से, मैंने जो तीन दिखाई है उसमें से दो तो हेयर एंड नाउ ब्रांड से है, और तीसरी भी मिलांज बाय लाइफस्टाइल से थी, और ये चौथी भी मिलांज बाय लाइफस्टाइल से है। एक्चुअली मुझे ना इस ब्रांड की बड़ी ऐसे ना फैब्रिक पसंद है मुझे इन ब्रांड्स का, तो इसका जो फैब्रिक है ना वही वाला सेम फैब्रिक है जो फर्स्ट कुर्ती का था, वही वाला सेम फैब्रिक है। और कलर देखिए, व्हाइट के अंदर स्काई ब्लू कलर की लाइनिंग है, और इसमें जो कुछ ऐसे डिजाइन बना हुआ है वो ये कि नेक पे ना ये थोड़ा सा थ्रेड वर्क किया हुआ है, और ये दो तीन जो बटन वगैरह लगे हुए हैं इसका बहुत ज्यादा प्यारा सा, जो मतलब मुझे जो पसंद आया इस कुर्ती में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट एक बार आप फैब्रिक देख लीजिए, थोड़ा सा सी थ्रू है, एकदम ऐसे ना लिटिल बिट सा सी थ्रू है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली में बताया था। सो बिल्कुल थोड़ा सा सी थ्रू है, ज्यादा नहीं कह सकते हम, बिल्कुल थोड़ा सा है। और ये जो है ना ये एकदम ऐसे स्ट्रेट वाली वो कुर्ती नहीं है, थोड़ी सी ऐसे ना फ्रॉक स्टाइल में वैसे थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसका जो मेन मैं आपको पार्ट बताऊंगी ना इसका, जो जिसकी वजह से मैंने इसको पसंद, मतलब ऐसे ऑर्डर किया था, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप कलर देख लीजिए और इसका स्टाइल भी देख लीजिए कि इसमें लाइनिंग वाला सा पैटर्न है। और जो बेस्ट पार्ट है इस कुर्ती का वो है ये इसकी स्लीव्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई। और जो बेस्ट ये आप देख रहे हो इस पे ना कुछ कुछ हैंडवर्क भी किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे लैश भी लगी हुई है, और ये यहाँ पे है ना, यहाँ से कुछ डिफरेंट है, मतलब इतना जो स्लीव्स का पार्ट है वो ऐसे है, और उसके बाद में ऐसे थोड़ी सी फ्रिल सी बन जाती है। तो और आप ना यहाँ साइड में पिक्चर में देख लेना, मतलब मुझे इतना एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, बट यस ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई भी। और इसको ना मैंने स्टाइल किया था अपनी ब्लू डेनिम के साथ में, आप प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, लेगिंग के साथ भी कर सकते हो, और जो स्ट्रेट पैंट्स होती है उनके साथ भी स्टाइल कर सकते हो। सो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें ना, तो इसका जो प्राइस था वो थोड़ा सा हाई था, अंडर 399 नहीं है ये, बट यस बहुत ज़्यादा ऐसे ना अफोर्डेबल भी है।
तो इसका जो प्राइस था वो मुझे, मतलब ऐसे मुझे ऑर्डर करने पे ये पड़ी थी 480 रुपीज़ की। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, बट ये 480 रुपीज़ में मुझे लगा यार 480 रुपीज़ में इतनी ज़्यादा अच्छी और प्यारी कुर्ती, मतलब अंडर तो 500 ही है ना, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सो मुझे, मतलब मैं खुद को रोक नहीं पाई इसको बाय करने से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका जो फुल लुक है ना वो आप यहाँ साइड में देख लेना, तो मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और जो फिफ्थ कुर्ती मैं दिखाऊंगी वो है लिबास ब्रांड से, ब्लू कलर की है, और इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनिंग और ये जो साइड में थोड़ा सा वर्क किया गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसका जो फैब्रिक है वो एकदम प्योर कॉटन, थोड़ी सी सी थ्रू है ये, आप ऐसे देख पा रहे हो, मतलब ऐसे ना सारी कुर्तीज़ को हम सी थ्रू नहीं कह सकते, बट अगर कॉटन है, प्योर कॉटन है, तो थोड़ा सा सी थ्रू तो होगा ही, और इतना आई थिंक सबको चल जाता है, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। तो ये वाली भी बहुत ज़्यादा, ये ऐसे ना ऑफिस वियर के लिए बड़ी परफेक्ट है, मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट है, और इसकी ना ये वाला जो इसकी नेक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और यहाँ पर ना बटन्स भी है, और इसकी जो स्लीव्स है वो ऐसे थोड़ी सी ना ऐसे फोल्डेबल वाली सी स्लीव्स है, तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई। इसको मैंने कैरी किया था व्हाइट प्लाजो के साथ में, फैब्रिक मैंने आपको बता दिया, और इसका जो प्राइस है वो है ओनली ₹299। तो आई थिंक लिबास ब्रांड की ₹299 में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और कलर तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक समर्स में ना मैंने आपको पहले बताया कि ये वाले कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ब्लू तो मेरा ना मोस्ट फेवरेट कलर है, मतलब ऐसे ना कुर्तीज़ वगैरह में व्हाइट प्लाजो के साथ कैरी करो तो ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी सी कुर्ती लगी मुझे। तो अगर आप सबको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये कुर्तीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी है, और आप कौन सी कुर्ती को ऑर्डर करना चाहोगे, किसी को गिफ्ट करना चाहोगे या फिर खुद के लिए ऑर्डर करना चाहोगे, तो प्लीज़ मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।